तो हेलो गाइस, कैसे हो सारे? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो काफ़ी टाइम से ज़रा व्लॉग वगैरह नहीं आ रहे थे, फ़ोन क्योंकि ख़राब है जैसे आप लोगों को पता ही है। तो इस समय मैं ये सब चीज़ें साइड रख के उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक बहुत ही बढ़िया एक अमेजिंग वीडियो लेके आने वाला हूँ। ये उत्तराखंड में चल रहा है अभी पुलिस फिजिकल, तो उससे रिलेटेड वीडियो मैं सोच रहा हूँ इस बार कि यूट्यूब में चैनल में डालूँ अपने, और युवाओं को थोड़ी मदद हो उस चीज़ से। मेरा खुद का भी अपना फिजिकल था पुलिस का, तो मेरा तो ठीक ही हुआ है मेरे हिसाब से। बाकी मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे करके मैंने क्या क्या चीज़ें करी। तो फिलहाल आज मैं दिखाने जाता हूँ आप लोगों को, क्योंकि लॉन्ग जंप में काफ़ी ज़्यादा युवाओं को बहुत दिक्कत आ रही है। और जो ये लॉन्ग जंप है ये 18 फीट की है बॉयज़ के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ है। तो उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और जो दो तीन एक्सरसाइज है वो मैंने जो यूज़ करी थी, जो मैंने करा था जिससे मैं 17-18 लेके आया हूँ अपने फिजिकल में, वही मैं आपको बताऊँगा कि वही 2 से 3 एक्सरसाइज है, वही एक्सरसाइज करें, फॉलो करें। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप जो मर्जी बोलना, उससे आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल मेरे साथ 3 लोग हैं, उन लोगों का भी फिलहाल बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके करना है। बाकी और भी मेरे साथ वाले लड़के हैं, उन्होंने भी मेरे को बहुत बार बोला था कि यार लॉन्ग जंप कैसे करनी है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, क्योंकि मेरा पहले हो चुका था फिजिकल और मैंने मात्र 21 से 28 दिन के अंदर प्रैक्टिस करी थी। मतलब बिल्कुल रगड़ दिया था अपने आप को, ऐसी प्रैक्टिस करी थी मैंने। 12 से 3 के बीच में करता था प्रैक्टिस दिन में, और इसी जगह में यही वो जगह थी जहाँ पे मेरा पहला शूट भी किया था मैंने वीडियो का। तो अब चलो चलते हैं, आपको एक्सरसाइज वगैरह मैं बताता हूँ, फिर आपको एक एक करके दिखाते हैं। 1-2 जंप भी मार दूंगा मैं, 16-17 तो अभी ईजी ऐसी मार दूंगा मैं, दिखाता हूँ चलो आपको फिर। तो भाई 18 है आपका, ये 17 है, ये 16 है, ये 15 है, ये 14 है, ये 13 है, और जहाँ से मारनी है वो ये है। अब लगभग लगा लो वो जो दूसरी आधी ईट है वो 16 पे है, और उसके आगे 2 और है 18। बता दूँ ये जो है लॉन्ग जंप करने से पहले ना जितनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग हो सके, कम से कम 5 से 10 मिनट स्ट्रेचिंग करना, पहले स्ट्रेचिंग करना। अगर आप बिगिनर हैं या आपने 13-14 भी मार रहे हैं, 15 भी मार रहे हैं, तो स्ट्रेचिंग करना बहुत अनिवार्य है। उसके बाद आप स्ट्रेचिंग करोगे तो आपके पूरे पैर वगैरह खुल जाएंगे, फिर उसके बाद आप थोड़े मार सकते हो आगे स्ट्रेचिंग करोगे ना जितना। और 10 कदम से मारो बस, ज़्यादा दूर नहीं, लोग चले जा रहे 50-50 मीटर दूर, इतने दूर तो एथलीट मारते हैं, हमारा क्या काम है इतनी दूर से। अभी आपको 1-2 डेमो भी दिखा दूंगा कैसे करके क्या करना है, और अभी फ़िलहाल मैं जो 3 एक्सरसाइज बता रहा हूँ वो फॉलो करके देखना, 100% रिजल्ट मिलेगा। पहली एक्सरसाइज होगी वो आपको ऐसे पूरा स्ट्रेच मिलना है, फिर ये ऐसे करना है, फिर पूरा स्ट्रेच, फिर भी जंप वो कर लोगे एक्सरसाइज, तो उसके बाद आपको कम से कम 3 से 4 सेट लगाने पड़ेंगे लगातार एक के बाद एक। और जो पहली मारोगे उससे आगे करना, कोशिश करना कि आगे मारो। एक्सरसाइज है वो आपको अपने पावर लेग से करनी है, पावर लेग मतलब जिससे आप जंप लोगे, जैसे मेरा लेफ्ट है ना, तो मैं इससे करूँगा वाली एक्सरसाइज और उसी से जंप लूँगा। तो वाली एक्सरसाइज पे आते हैं। ये जो आपने 2 एक्सरसाइज देखी इसके कम से कम 4-4, 5-5 सेट मार देना। उसके बाद हम लास्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, जो कि आपको 5 से 10 स्टेप से आपको स्प्रिंट लेके ऊपर जंप लेनी है, और उसमें आपको कोशिश करनी है कि आप अपने पैर को जितना हवा में ज़्यादा 1-2 करके चलाएंगे, और हाथ को जितना चलाएंगे वो आपके लिए बेनिफिट होगा। ये लास्ट एक्सरसाइज है और ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। हम तोड़ गए जब तुम झुके। ऐसी एक्सरसाइज आप बिल्कुल मत करना, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा, वरना चोट पटाक लग जाएगी, तो आप ना पुलिस के भर्ती दे पाएंगे ना कुछ हो पाएगा। आपको जो 3 एक्सरसाइज बताई वो आपको कम से कम 4-5 सेट तो करनी है, टोटल आपके 15-16 सेट हो जाएंगे, और मतलब 80 से 90% एफर्ट लगा के करनी है। अब उसके बाद हम आते हैं जंप की तरफ, लगभग 12 से 16 कदम का जंप लेना है आपको, और जो पावर लेग है वो आपका टेक ऑफ पे आना चाहिए। अब देखते हैं चलो। हम तो भाई जब भी आपने जो ये 2 जंप देखी, पहली मेरी 16.5 के आसपास पड़ी है, दूसरी पड़ी मेरी 17 पार। तो अभी फ़िलहाल मैं नंगे पैर हूँ, इस वजह से मेरी यही पड़ी, और ऊपर से हो गए मेरे फिजिकल में मैंने 25 सारी, उसके बाद से कुछ ऐसा करा नहीं है ना, अभी स्ट्रेचिंग वगैरह करी। तो बस जो ये 3 एक्सरसाइज है यही चीज़ आपको फॉलो करोगे तो आप 18 का 20 भी मार दोगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और 2-1-2 वीडियो और है जिसमें लोगों को दिक्कत हो रही बॉल थ्रो में, लॉन्ग जंप में। तो मैं पहली चीज़ आपको लॉन्ग जंप में तो यही बताऊँगा कि लॉन्ग जंप में अगर आप लॉन्ग जंप करने जा रहे हो तो ये जो तुम्हारी पट्टी है ना,
पहले तुम 18 फीट का मत सोचो, 17 फीट का मत सोचो, पहले खाली क्वालिफाई करो, क्योंकि ज़्यादातर बंदे उसमें बाहर हो जा रहे हैं। तो आपको वही सब सोच के करना है, पहली चीज़ खाली क्वालिफाई माननी है, उसके बाद जो दो चांस मिलेंगे उस दो चांस में पूरा खींच देना है। बाकी आगे लो और वीडियो लाते रहेंगे। अगर तुम आपको वीडियो पसंद आया होगा तो एक कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं वीडियो और भी ऐसी लाते रहूँगा फिज़िकल के रिलेटेड, अभी तो जुलाई तक है फिज़िकल, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी टिप्पणी आपको करनी होगी तो मेरे को ज़रूर बताना, मैं जितना हो सकेगा मैं उतना आपको बताऊँगा। और मेरे फिज़िकल में कितने नंबर आए थे वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा आने वाली वीडियोज़ में, और मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो करी थी जिनका जुलाई में, उनके पास अभी बहुत टाइम है, कम से कम 20 दिन में अगर आप अपनी पूरी बॉडी को रगड़ा मारते हैं तो आप आराम से हो सकता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय।